एक समय एक नाना शहर में एक कुटुंब रहतु हतु, जेमा राम अने तेनी माता खूबज सुखेथी रहता हता। राम ऑटो चलावतो हतो अने जे कंई कमाई करतो हतो तेना पर माँ दीकरो खुशी थी जीवता हता। एक दिवस तेनी काकी रामना घरे आवी, तेने रामनी माता ने रामना लग्ननी वात करी। ते सांभळीने माता खुश खुश थी गया। हवे राम माटे सारी छोकरी नी शोध शुरू थाय छे। थोड़ा दिवसों में राम ने काकी ने राधा नाम नी छोकरी मिली गई, जे जोवामां खूब सुंदर हती। राम ने पण राधा गमती हती अने बने ने लग्न करी लीधा। लग्न पछी थोड़ा दिवसों सुखे थी पसार थया, परंतु राम अने तेनी माता राधा विषे जाणता न हता के ते केटली लोभी छे। लग्नना थोड़ा दिवसों पछी राधा अने तेना रंग बतावानुं शुरू कर्युं। ते महीनामां घणी वखत रोमराह जेवी किटी पार्टीओमां जवानुं शुरू कर्युं, जेना माटे रूपा दरेक पार्टीमां नवा कपड़ा अने कीमती गहना पहेरती हती। ज्यारे राधाना नवा घरेणा अने कपड़ा खत्म थी गया, त्यारे राधा तेनी पतिनी कमाणीमांथी नवा कपड़ा अने घरेणानी खरीदी करती हती, जेना कारणे रामना घरमां झगड़ो शुरू थयो हतो। घणी वखत एवुं बनतुं के महीना माटे राशन लावाना जे पण पैसा मळता राधा पोताना माटे कपड़ा अने घरेणा खरीदती। एक दिवस रामे कह्युं, राधा तारे नवा कपड़ा अने घरेणा खरीदवामां आटला पैसा वेड़फवानो शो फायदो छे? तमे विचारता ज हशो के तमारो पति किटी पार्टीओमां जवा माटे अने नवा आभूषणो खरीदवा माटे महीनामां 10 वखत खर्चवा जेटली कमाणी नथी करतो। आ सांभळीने राधा गुस्सेथी लाल थई गई अने रामे ने कह्युं, तू हमेशा मने कहतो रहे छे के क्यारे वधारे कमावानुं विचारतो नथी। जो तमे वधु ऑटो रिक्षा चलावी होत तो तमे वधु कमाणी करी होत अने आजे तमे आरामथी नवा कपड़ा पहेरी शकत। आटलुं कहीने राधा अने तेनी सासु पासे जाय छे अने कहे छे, माजी तमारी पासे जे दागीना छे ते मने आपो, हूँ पार्टी में पहेरीश। आखी वात सांभळ्या पछी रामनी माताए कह्युं के जूना जमानामां बधी वहुओ पोताना घरेणा सासुने आपी देती हती, पण तू मारी पासे दागीना मांगे छे। राधाए कह्युं, तमे दागीनानुं शुं करशो, मने आपो। अंते रामनी माताए पण तेना बधा घरेणा राधाने आपी दीधा अने राधाए दागीना पहेरीने किटी पार्टीमां गई। अहीं राधाने गया पछी थोड़ी वारमां रामना काकी घरे आव्या। तेणे रामनी माताने राधा विषे पूछ्युं तो माताए राधा विषेनी बधी वात कही। आ सांभळीने काकीए राधाने पाठ भणावानुं विचार्युं। राधाना सासू पण आ रमतमां जोड़ाया। रामनी काकी घरनुं बधुं राशन अने सामान तेना घरे लई गया अने थोड़ी वारमां तेना तमाम दागीना ने नवा कपड़ा लई आवी। दागीना ने कपड़ा लई आवी अने ते वस्तुओ घरना अलमारी माने थोड़ा रसोड़ा में राखी दीधा अने ते जवा लागी। तेणीनुं घर जती वखते राधाना सासुए कह्युं के ज्यारे राधा घरे आवशे त्यारे ते आ दागीना जोईने तमने कंई पूछशे, तमारे तेनी सारी रीते जवाब आपवो जोईए। तेना थोड़ा समय पछी राधा किटी पार्टीमांथी घरे आवे छे अने तेना कपड़ा तमाम नवा दागीना जोईने खूब ज खुश थाय छे। परंतु सांजे ज्यारे रसोड़ामां रसोई करवा जाए त्यारे तेने फरीथी राशननी पेटीमां नवा घरेणा जोवा मळ्या, जेने जोईने राधानी खुशीनो पार न रह्यो। परंतु जयरे राजा राशन माटे
રસોડામાં શોધે છે ત્યારે તેને કંઈ મળ્યું નહીં, જેના કારણે તે નારાજ થઈ ગઈ અને તેની સાસુ, રસોડામાં રાસણ ક્યાં ગયું, રસોડામાં રાસણ ક્યાં ગયું, ત્યારે સાસુએ કહ્યું, બહુ તને ઘરેણાં અને કપડાં સૌથી વધુ ગમે છે, તેથી આજે મેં ઘરનું બધું રાસણ અને વસ્તુઓ વેચી તારા માટે નવા દાગીના અને કપડાં ખરીદ્યા છે, હવે તમે તેને પહેરી પાર્ટીમાં જઈ શકો છો. આ સાંભળીને રાધાએ કહ્યું કે ઠીક છે, પણ ભોજન વિના હું ઘરેણાં અને કપડાંનું શું કરીશ? તો સાસુએ ફરી જવાબ આપ્યો કે હવે ખાવાની શું જરૂર છે, તમને તમારી સૌથી પ્રિય વસ્તુ મળી ગઈ છે, તમને તેમાં ખુશ રહેવું જોઈએ. જરૂર, આ સાંભળીને રાધાએ પોતાની ક્રિયા પર પસ્તાવો થવા લાગ્યો. પછી રામની કાકી પણ આવી. તેણે એમ કહ્યું કે મેં આ બધું કર્યું છે તમને સમજાવવા માટે કે માત્ર નવા કપડાં અને ઘરેણાં જરૂરી નથી, આ સિવાય પણ દુનિયામાં ઘણી વસ્તુઓ થાય છે, અને જો તમને નવા દાગીના અને કપડાં પહેરવાનો આટલો જ શોખ છે તો તમે પોતાને કેમ કમાતા નથી અને તે પૈસાથી આ બધી વસ્તુઓ ખરીદો. બધી વાત સાંભળી પછી રાધાને હવે બધું સમજાઈ ગયું અને હવે પછી તેણે આવું ક્યારે નહીં કરવાનું એણે પ્રતિજ્ઞા લીધી. આ દ્વારા કમાયેલા પૈસાથી ખુશીથી જીવવા